जहां तक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसा एक मामला बीते दिनों जिले के मैनपुर विकासखंड में उस समय देखने को मिला जब स्वास्थ्य विभाग की टीम 20 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी पर बसे कुल्हाड़ी घाट पंचायत के आश्रित गांव तारझर, कुरवा पानी और डडी पानी में टीकाकरण करने के लिए पहुंची। टीम के सदस्यों को पगडंडी और नदी के रास्ते गांव तक पहुंचना पड़ा। वहां के हालातों को देखकर टीम ने मौजूद खुद सीएमएचओ में ग्रामीणों को पहाड़ी से नीचे बसने की समझाइश दी, मगर ग्रामीणों ने मना कर दिया। गांव पहुंची स्वास्थ्य टीम के मुताबिक इन गांवों तक पहुंचना उनके लिए तो मुश्किल था ही, उन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी पहाड़ी से आना जाना कितना आसान नहीं है। दुर्गम स्थान होने के कारण यहां के ग्रामीणों में भारी परेशानियां होती है। हालांकि सीएमएचओ ने अब हर महीने इन गांवों में पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर लगाने का भरोसा दिलाया है। एक्चुअल में वहां पर जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं जिसको सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त है, तो उसको क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है और वहां क्या स्टेटस है लोगों का, क्या लिविंग स्टैंडर्ड कैसा क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, ये सब देखने के लिए हमारी टीम जो है बीएमओ के साथ हमने वहां गया हुआ था। हमारे साथ गरियाबंद से पुरुषोत्तम पात्रा जुड़ गए संवाददाता। पुरुषोत्तम, जिस तरह हम देख रहे हैं वीडियो में, बड़ी कठिन डगर है वहां तक पहुंचने की और स्वास्थ्य महकमे के जज्बे को मानना पड़ेगा कि जिस तरह से जो टीकाकरण की टीम है वो टीकाकरण की टीम तमाम मुश्किलों को झेलते हुए कि सीएमएचओ खुद उनके साथ तमाम रास्तों को पार करते हुए उन तक पहुंचे हैं और वहां रहने वाले बच्चों को टीकाकरण किया है, क्या कुछ कहना है लोगों का वहां पर? जी बिल्कुल, बता दूं कि ये है कुल्हाड़ी घाट पंचायत के आश्रित गांव जहां पे करीब 400 से 450 की संख्या में कमार जनजाति के लोग रहते हैं। वहां 60 करीब 60 बच्चे हैं जिनका टीकाकरण होना है। इससे पहले तक जो पूर्ववर्ती सरकार के दरमियान ये होता था कि उनको नीचे बुलाया जाता था, 20 किलोमीटर पैदल नीचे बुलाया जाता था, तो इससे लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हो पाती थी। उनके जो स्टैंडर्ड है जिसकी बात सीएमएचओ कह रहे हैं, उनके रहन सहन से बिल्कुल वाकिफ प्रशासन उस समय तक नहीं हो पाता था। लेकिन सरकार बदलने के बाद जिस तरह से ये बदलाव आया है, तो वहां पे सबसे पहले 3 महीना पहले वहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, वो पहली मर्तबा हुआ था। और अभी ये अधिकारियों की टीम जो पहुंची है, ये भी उनकी आजादी के बाद पहला ऐसा अवसर आया है कि उस पहुंचवीन इलाकों में अधिकारियों का टीम पहुंचा है और वहां सीधे जनता से, वहां के मौजूद जो कमार जनजाति के लोग हैं उनसे सीधे रूबरू हुए हैं और वहां करीब 60 जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण करके टीकाकरण का जो अभियान है और टीकाकरण को जो 100% टीकाकरण का जो लक्ष्य है उसको भी पूरा किया गया है। जी पुरुषोत्तम, क्या लगता है जिस तरह सीएमएचओ ने खुद कहा है कि ऐसी ऐसे रास्तों को पार करके गए और ये भी बात कही गई कि उनको पहाड़ी के नीचे बसने की भी सलाह दी गई कि वहां पर ना रहें और यदि नीचे रहेंगे तो उनको और कई सुविधाएं मिल जाएगी, तो ग्रामीण आखिर क्यों मानने को तैयार नहीं है, आखिर क्यों वो वहीं पर रहने को रहना चाहते हैं? जी मैं पहली बात तो ये बता दूं कि वहां पे पिछले 3 साल से लगातार प्रशासन जो है ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह वहां के लोग नीचे आ जाए और जो विकास की मुख्य धारा है उसमें जुड़ जाए। उसके लिए कुल्हाड़ी घाट मैनपुर जो मुख्यालय है उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में एक भूखंड भी देखा गया था जहां आवास निर्माण भी कराया गया था, लेकिन जो वहां गांव में जो जंगलों में बसने वाले लोग हैं उनकी जो वो उनके लिए ये वातावरण अपने अनुकूल नहीं समझते, क्योंकि वो केवल बांस बर्तन के सहारे बांस बर्तन बनाने की उनकी पारंपरिक जो काम है उसको रोजगार का साधन बनाए रखे हुए हैं, और जैसे नीचे आएंगे तो उनके पास कहना है कि बांस बर्तन वो बनाएंगे नहीं और मजदूरी करेंगे नहीं, तो इस तरह से उनको जीवन यापन का जो संकट उनको नजर आ रहा था और उसको अब उस गैप को दूर करने का जो है प्रशासन जो पूरी तरह से तैयार। संजय नेताम जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस नेता है, उनसे बात करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर। जिस तरह हम देखें कि स्वास्थ्य महकमा एक काफी अच्छी पहल कर रहा है कि जिस तरह लोग टीकाकरण के लिए अस्पताल तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां देखा जाए कि गरियाबंद में स्वास्थ्य महकमा खुद 20 किलोमीटर पैदल चलकर उन पहाड़ी इलाकों तक पहुंच रहा है जहां पर तकरीबन 60 बच्चे उनको टीकाकरण कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हाँ, निश्चित तौर पर इससे पहले भी धरातल पे तो नहीं दी गई थी, बस करते थे, बस बैठे बैठे करते थे जी। और जब से सरकार अपनी गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की प्रदेश में, तब से स्वास्थ्य मंत्री जी का एक पहल यहाँ पे दिख भी रहा है और कलेक्टर साहब ने खुद ही वहाँ पे जाके सभी को निर्देश भी किया है कि वहाँ जाइए, वहाँ पे देखिए, जाके वहाँ पे टीकाकरण करो। और निश्चित तौर पर ये कार्य जो है बहुत सराहनीय है, पहले तो सिर्फ ऐसे कागजों पे दिखता था, पर अब जाके वहाँ पे धरातल पे और गाँव पे पहुँच के हमारी स्वास्थ्य टीम वहाँ पे कार्य कर रही है जी। लेकिन एक सवाल ये उठता है, जिस तरह हम वहाँ के ग्रामीणों की बात करें, जो ताराझार और जो 3 गांव और है वहाँ की बात करें, तो वहाँ करीब 400 परिवार रहते हैं, तो उन परिवार के सदस्य क्या जो हम पहाड़ के नीचे की बात करें तो वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, आखिर क्या वजह है कि वो पहाड़ पर रहना ही चाहते हैं?
इनकी वजह मुख्य वजह यह है कि वहाँ पे बांस बांस का पूरा उनका जो बनाने का वो है, तो वो लोग छोड़ना भी वहाँ पे नहीं चाहते। कई बार प्रयास चल रही है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सकारात्मक सबको देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में उनको उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके लिए पूरी व्यवस्था भी की जा रही है प्रशासन के द्वारा, शासन के स्तर पे भी अपन लोग पूरे लगे हुए हैं, प्रशासन की टीम भी पूरी लगी हुई है। बहुत जल्द अपने को देखने को मिलेगा कि वहाँ के लोगों को उचित सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। समीर जी, जिस तरह हम 20 किलोमीटर की बात करें, जाहिर सी बात है ये एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उनका आना या स्वास्थ्य मेकर का वहां पर जाना ये एक कहीं ना कहीं कठिन भरी डगर है, बहुत खतरनाक रास्ता भी है, जंगल से निकलना पड़ता है, नदी नाले पार करके जाना पड़ता है। क्या ऐसी कोई सुविधा आप तैयार करवाने के बारे में सोचेंगे जिसको लेकर उनको भी सुविधा मिल सके, महकमे को सुविधा मिल सके? इस विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा भी हुई है, 5-7 दिन पहले अपन लोग चर्चा भी की है, उससे पहले भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पे ये सब कार्य हो रहा है जी। और वहाँ पे डीएमओ सर खुद भी गए थे पूरी टीम के साथ में, कलेक्टर साहब निर्देश दिए थे और आने वाले दिनों में अपन लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को अच्छे से सुविधा मुहैया उपलब्ध हो सके। चलिए संजय जी, आप इसमें इस मामले में लगातार आगे और सोचते रहिए कि स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छी पहल कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और साथ में पुरुषोत्तम पात्रा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।